महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तबलीगी जमात का इज्तिमा संपन्न हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। इस इज्तिमे की शुरुआत तबलीगी जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद साद के खुतबे से हुई, जिसको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े। इज्तिमे के दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस्लामी तालीम को आगे बढ़ाने और धार्मिक मार्गदर्शन के लिए समूह में बातचीत की। इज्तिमागाह में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने धर्म गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। इज्तिमे में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग पहुंचे। इसके अलावा देश के भी कई हिस्से से लोग इस्लामी तालीम हासिल करने औरंगाबाद पहुंचे। 3 दिवसीय इस इज्तिमे में दिल्ली स्थित मरकज के जिम्मेदार भी आए हुए थे। 26 फरवरी यानी इज्तिमे के आखिरी दिन फज्र की नमाज के बाद उमूमी बयान हुआ। इसके बाद इज्तिमे की आखिरी मजलिस और रवानगी की बात और दुआ के साथ इज्तिमे का समापन हुआ।